हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट लगाएंगे 25 जनवरी 2021 का, मगर प्यार से। किताब को खोल लीजिए और प्रॉपर पढ़ना चालू कर दीजिए। जी हाँ, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो वृद्धि की दर क्या होगी? एक चीज याद रखो मासूम से दोस्तों, क्या कि जो प्रिंसिपल है आपका वो 6600 है और जो अमाउंट है वो 7986 है। पहले बोलो हाँ, इसमें 2 वर्ष का खेला हो रहा है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। पहले इनका प्रॉपर वे में रेशियो ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? रेशियो। ऐसा करते हैं, देखिए यहां 100 बना लो, 100 बनाने के लिए यहां भाग किसका दोगे? 66 का। यहां 66 का भाग दोगे तो 121 आएगा। दोनों में 66 से भाग दोगे। अब 100 की चीज 121, वर्ष है 2, यानी स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। आपने रेलवे की यूथ की किताब बढ़िया से पढ़ी होगी जहां हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, अब आप समझ गए होंगे। 10 से 11 हो गया, दोनों का अंतर 1 हो गया। इस 10 से भाग दो और गुणा 100 कर लो। ऐसा करने से 10% आंसर आएगा और ये एज ए क्या होगा? ये एज ए रेट होगा इस क्वेश्चन में। एज ए क्या होगा? रेट होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10%। याद रहे, किसी भी किताब से पहले आप बेसिक बढ़िया से पढ़ लिया करो और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर किया करो। धीरे धीरे निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आई होप अच्छा लगा होगा, ईमानदारी से बोलिए। चल पहले क्वेश्चन के बाद तीसरा अच्छा क्वेश्चन है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 और एक विकर्ण की लंबाई 16 है। प्यारे दोस्तों, आप भी जानते हो समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो इनके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। कहां पर? 90 डिग्री में। पहली बात तो ये हम अच्छे से जानते हैं। और ये सारी की सारी भुजाएं क्या बराबर होती हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा जिसकी प्रत्येक भुजा या भुजा 17 है तो ये 17 सारे के सारे हो गए। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और वो भी बराबर। यहां पर कह रहा है जो एक विकर्ण 16 है, यानी 8 और 8 16 हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से आप जानिए कि आपको मालूम है कि 17, 8 और 15 ट्रिपलेट्स होता है, क्योंकि यहां पर लगाएंगे आप पाइथागोरस, ठीक है? तो ट्रिपलेट्स होता है 8, 15, 17, तो ये भी 15 हो जाएगा। अगर समचतुर्भुज का हमें एरिया पूछता है, एरिया 1/2 दोनों विकर्णों का इंटू d1 इंटू d2, 1/2 ऐसे रखेंगे, 15, 8, 17, तो आप देखो डायगोनल 8 × 2 = 16, 1 16 हो गया, 15 × 2 = 30, यानी ये 30 हो गया, 2 से ये 15 बार में गया और 16 × 15 240 आएगा। क्या आएगा? 240 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 240 हो जाएगा। याद रहे, निरंतर पढ़ते रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर प्यार से। बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, पर हम डरेंगे नहीं क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रकाश सर को रीजनिंग भी आती है, पढ़ाते नहीं, वो बात की बात है। दिए गए 3 समीकरण में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। सर करना क्या है? इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों को ऐड करो, मतलब 3 × 3 लिखा तो इसकी वैल्यू हो गई 9, और 2 + 4 लिखा इसकी वैल्यू हो गई 6, और दोनों को मर्ज किया 96। समझ गए होंगे? तो 2 × 1 = 2, तो ये 2 है, और 5 × 4 = 9 है।
एक गुणे पांच तो ये पांच है, और आठ और एक कितना नौ, यानी इसका आंसर 59 आएगा। बोलो मगर प्यार से। कहता है 5.26 घंटे को आप घंटा मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो। 5.26 आवर्स को कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 5 घंटा तो अलग कर लो, 0.26 को हम लिख सकते हैं 26/100 घंटा। पर अगर मैं 3600 का गुणा कर दूंगा तो ये पूरा चीज सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले बोलो हां, बोलो हां सर, बिल्कुल सही बोले। सीधी सी बात है, दिमाग लगाइए मगर प्यार से भाई। 0.26 तो ये 0.26 तो 2.26 लिखा, दशमलव डाय नीचे 100 आया, तो ये भी घंटा में है, और एक घंटे में मतलब घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करना 3600 का गुणा, दो जीरो से दो जीरो काट दो। अब 26 गुणे 36 कर लो, तो भैया ना हमें 26 का पारा प्रॉपर आता है ना 36 का, तो फिर कहा क्या आता है, एरो मेथड से हमें मल्टीप्लाई आता है। 36 तीन हासिल 12 18 30 3 33, अरे बोलो हा, और 3 × 6 936, 936, और 900 सेकंड को समाज 15 मिनट के नाम से जानता है। 900 सेकंड को समाज 15, भाई 60 से भाग दोगे 15 मिनट, और 36 सेकंड एज इट इज रहेंगे, तभी 936, यानी 5 घंटा 15 मिनट 36 सेकंड इज द राइट आंसर। पढ़िए मगर प्यार से और निरंतर पढ़ते रहिए, धीरे धीरे हम लोग जब आगे चलेंगे एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। याद रहे जो भी मैथ का सब्जेक्ट होता है वो सभी एग्जाम में सेम पैटर्न पे आता है, ये बात आप भी जानते हो अच्छे से, और तैयारी कई एग्जाम की करेंगे एक दिन आपको खुद अच्छा लगेगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। उस विकल्प का चयन करें जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी, यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और बड़ा आसान है। जब हमने 3 को देखा तो यह 3 है और यह 26 है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3 का क्यूब हुआ होगा और माइनस का 1, भाई 3 का क्यूब 27 − 1 तो 26 होता है। अब कह रहा है यहां क्या होगा, तो जो पैटर्न से बनाया तो यहां 4 है, तो 4 का क्यूब होता है 64 − 1, समाज इसे 63 की नजर से देखेगा, 63 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कहता है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम किया जाए तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य क्या है, जो बच्चे रात को 9 बजे वाली क्लास में हमसे प्रॉफिट लॉस सीखे हैं उनके लिए तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। पहले थोड़ा बेसिक से बताएंगे क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि सर रात को 9 बजे में SSC पढ़ा रहे हम नहीं पढ़ेंगे कसम खाली, 500 क्वेश्चन ऐसे हमने शॉर्टकट में वहां बताए हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग कट में याला बताएंगे फिर एक शॉर्टकट दिखा देंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो उनके लिए बेटर है। सब माना CP क्या है, 100x ले लो, SP 20% प्रॉफिट यानी 120x, पहले बोलो हां, यदि उसके क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में 100 रुपए कम कर दो तो यानी 100x − 100 हो गया और 120x − 100 हो गया, पहले बोलो हां, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक, यानी पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 4% अधिक यानी अभी जो लाभ है वो 24% हो गया, कितना हो गया 24% लाभ हो गया। 24 का जो अर्थ होगा 24/100, पहले बोलो हां, इसे समाज 6/25 की नजर से देख सकता है, 6/25 की नजर से देख सकता है, यानी 25 की चीज 6 जोड़ोगे तो 31 में जाएगी, बस इन्हीं के रेशियो बराबर करो और कैलकुलेट करो और आंसर आएगा। याद रहे शॉर्टकट भी बताया जाएगा पर थोड़ा सा पेशेंस। हां अब कह दो सर उड़ाई दो क्वेश्चन को तो अभी ने पेशेंस। कहते हैं क्या कि 25 से ये
चार बार में गया, 25 से ये चार बार में गया, हमने भी काट दिया, बाकी कुछ कटता नजर नहीं आ रहा, तो चार यहां गुणा कर दो तो 124x माइनस 124 बराबर 120x माइनस 100। यहां ये 4x आया और ये उधर गया तो 24 यानी x बराबर 6 आया। और जब x बराबर 6 आया दोस्तों, x बराबर 6 आया तो CP हो गया 600। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 600। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर वो प्रकाश कला कहां गई जो आप दिखाते हो, तो अब सीखेंगे प्रकाश हाईटेक मेथड। जी हां, प्रकाश हाईटेक मेथड क्या है उसको समझो, ये तो करना ही है, अगर नहीं समझ आपको ज्यादा हाईटेक सीखना है तो वो सीखिए, हमारे साथ सीखिए। कहता है जैसे प्रकाश सर कोई बिजनेस कर रहे थे तो 20% का लाभ कमाते थे, आप आगे ज्ञान देने कि प्रकाश सर ऐसा ऐसा कर लो तो आपके बिजनेस में 4% अधिक प्रॉफिट होगा, यानी आपके कारण मैं 24% लाभ कमाना चालू करूंगा। इन दोनों का अंतर 4%, मतलब 4% एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हम जो वस्तु लाए वो 100 रुपए कम में लाए, अगर हम 100 रुपए कम में ला रहे हैं कोई चीज तो मेरे लिए वो प्रॉफिट है, पहले बोलो हां, और 100 रुपए कम में हम बेच रहे हैं तो मेरे लिए वो लॉस है। बस आपको एक्स्ट्रा काम याद रखना है जो हमेशा बताते, जो पहले का है वो इसका डायरेक्ट करना है। तो 100 का 24% यानी 24 ऐसे लिखिए, 100 से 100 निपटा दीजिए, 4% बराबर 24 के तो 1% बराबर 6 के और 100% बराबर 600 के। जिन्होंने ये प्रकाश कला सीख ली है वो वास्तव में अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि SSC में ये 50 क्वेश्चन है और जहां हमने सिखाया है प्रकाश कला। जी, प्रकाश कला दुनिया भर के मेथड से बेटर क्या है, प्रकाश कला। जी हां, कुछ को अच्छा नहीं लगा होगा पर है, पहले हम 20% कमाते थे, एक व्यक्ति आया, मतलब आप ही आए, कहते सर जो आप सामान लाते हो 100 रुपया कम में मिलता है, तो 100 रुपया प्रकाशन ने कमा लिया, अब वो सामान हम बेचने गए तो 100 रुपए कम में बेचा तो माइनस का 100, और जो ये पहले वाला 100 है बस इसका 24 में गुणा, जो क्योंकि 4% अधिक प्रॉफिट तो बस गुणा करना होता है 24 एक्स्ट्रा, ये 100 तो निपट गया, 4% बराबर 24 के तो 100% बराबर 600। एक लाइन का सोल्यूशन है जो ये लाइन है, बाकी ये है, अगर लगा सकते हो तो लगा लीजिए, क्योंकि दुनिया भर के सारे मेथड इसके सामने फेल हैं। चलिए, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए, माना पहले सत्र में x प्राप्त हुए और दूसरे सत्र में 16% अधिक यानी x गुणे 116/100। देखिए ज्यादा दिमाग ना लगाया करें ऐसे क्वेश्चनों में, बड़े आराम से कर लिया करें, ठीक है। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक, तो पहले में x मिलते होंगे, दूसरे में x इंटू 116। अब कह दूसरे सत्र में उसके प्रातांक 87 है तो पहले सत्र में कितने थे, बस एक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, जो x है वही आंसर है। सर क्या कहते हैं, 29 से ये 3 बार में गया, 29 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 25 बार में गया, और 25 त्याय 75 यानी 75 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75 आएगा, ठोको लाइक, बोलो हां। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव आया है अभी के सेट में, इसमें दो बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये चीज है। कहता आंकड़े 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो पहले तो जैसे बोला तो सबसे छुटकू कौन दिख रहा है, माध्यिका में पहले असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में पहले 20 लिखेंगे, फिर उसके बाद 30 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर दो बार 50 नजर आ रहा है, फिर 70 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे। पहले इसकी हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। सभी ने सीखा है प्रकाश मेथड, शुरुआत के 3 काट दिए, अंत के 3 काट दिए, अब बचे 2, तो इसकी जो माध्यिका होगी मीडियन वो आपके सामने क्या आ गई, 50 आ गई। फिर कहता है अब यदि 30 को 120 में बदल दिया जाए, तो ये सेकंड कंडीशन, 30 को 120, तो 20 ऐसे लिखो, 30 हटा दो, आप 40 लिख लो,
दो बार 50 लिख लो, फिर 70 लिख लो, फिर 80 लिख लो, फिर 90 लिख लो और अब 120 लिख लो। सर ऐसा क्यों भाई? 30 बदला तो आगे जाके बढ़ा दिया, इसकी भी माध्यिका निकालिए, तीन स्टार्टिंग के काटे, तीन अंतिम काटे, इन दोनों का योग का आधा माध्यिका यानी M2 120 का आधा 60 हुआ। बोलो हां। अब हमसे कहता है तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कर लिया, दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब पहली माध्यिका 50 थी, दूसरी माध्यिका 60 थी, दोनों का माध्य यानी 55 इसका आंसर आएगा। याद रहे, बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से समझाता हुआ मासूम सा टीचर। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है, सपोर्ट करिए और प्यार से लाइक और शेयर कर सकते हैं। चले 19 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 784 वर्गाकार टाइल्स है जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, जिसको एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाना है, उस कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज समझो, 784 वर्गाकार टाइल्स जिनकी प्रत्येक भुजा 50 है, देखो एक टाइल्स का अगर मैं एरिया देखूं, एक टाइल्स का एरिया, तो 50 का स्क्वायर एक टाइल्स का एरिया हो गया, और लगा कितने रहे 784, यानी कमरे का क्षेत्रफल ये यानी ए स्क्वायर हो गया। अब हमें सिर्फ भुजा चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये सब सेंटीमीटर में, स्क्वायर रूट ले लो तो 50 ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, 28 पंजा ठीक है 140 एक ठो जीरो, तो ये सेंटीमीटर में। अगर मीटर में लिखना है तो 14 मीटर इज द राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का 14 मीटर आएगा। बोलो हां। प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। चलिए 23 के बाद कहता है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान देना, 3% वृद्धि, 3% वृद्धि, तो वही 3% की वैल्यू 240 के होगा, तो 1% किसके बराबर, तो 80 के होगा। पहले बोलो हां, 1% किसके 80 के होगा, और 100% मतलब 8000 के होगा, यस या नो? तो आप कह सकते हो इसका राइट आंसर 8000 आएगा। 25 का जो राइट आंसर आएगा वह 8000 आएगा। बोलो हां, मगर प्यार से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7^13 + 1 इज डिवाइडेड बाय 6, बाकी हिंदी में लिखा हुआ है, इसको 6 से डिवाइड करना है। दोस्तों बड़े प्यार से सीखे, हमारे साथ सीखे। 7^13 + 1/6 रिमाइंडर आपको हम बता देते हैं, जैसे 7 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। पहले बोलो हां। अब इसकी पावर कुछ भी क्या हो, कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। सर ऐसा क्यों भाई? 7/6 तो 1 शेषफल, अब जो 1 है उसकी पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही शेषफल बना रहेगा। तो इसमें देखा जाए, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा ऐसे लिख लो। अब यहां पर आप भाग दे रहे हो तो 6 से 7 एक बार में गया, 1^13 यानी 1 आएगा, 1/6 + 1/6 तो 2/6, तो 2 हमारा एज ए रिमाइंडर होगा किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। अब ये अपना टैलेंट मत दिखा दे रहा, 2/6 / 1/3 कह दो 1 रिमाइंडर, अरे देवताओं 6 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर पूछा गया है, तो 6 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर 2 होगा, समझ गए? ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, आने वाले समय में हमने सोचा है कि हम 15 से 20 घंटे नंबर सिस्टम के वीडियो आपको प्रोवाइड करें। जी हां,
वो सिर्फ लाइव क्लासेस आपके लिए फ्री रखेंगे, बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस आप स्वयं जिम्मेदार है, समझ गए? ठीक है, क्यों? क्योंकि 2-2.5 घंटे कम से कम रिमाइंडर हमें पढ़ाना होगा, विस्तार से बताना होगा। बड़ा डर रहता है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे कोनो तैयारी करो, एक चैप्टर है जिसका नाम नंबर सिस्टम आता ही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरम भी होती है। चले फ्यूचर में, अभी नहीं कि आपका दो कले बता दो ना। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, पहले बोलो हा, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, माना 10 दिनों में काम एक्स पुरुष करेंगे, पहले बोलो हा, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, 5 यानी एक्स माइनस 5 अनुपस्थित रहे, कितने दिन में कार्य? तो चलिए, तो ध्यान देना मगर प्यार से, हर चीज को ध्यान दीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है और चीजों को सीखना है। तो 12 दिन में करेंगे प्यारे दोस्तों। देखा जाए 2 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 6 बार में गया, तो 5x और ये 6x, 6×5=30 हो गया, यानी x बराबर आएगा 30। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 हो जाएगा। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और चीजों को सीखिए। एक मासूम से बच्चा कहता है कि नीतीश कुमार जायसवाल, रिकॉर्डेड क्लास है क्या भाई? हां मेरे भाई, रिकॉर्डेड है, तभी तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई किया, पता नहीं। अरे देवताओं, ऊपर समय चलता है, अभी नहीं दिख रहा होगा, अब देखा कहां हुआ समय प्रभु, कभी देखा करो, अपनी घड़ी भी देखा करो। चलो कोई बात नहीं, मासूम सा बच्चा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई का मान क्या है? एक चीज समझो, n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो ये जो n है उसे 8 कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, नहीं, शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो एक n हो गया 8, पहली बात तो ये, ठीक है। और कह रहा शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n 3 भी हो सकता है। सर क्यों भाई? 3/5 तो ये 3 एज ए क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी होगा। बात समझ गए? कॉमन सेंस है, नंबर सिस्टम चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा होगा, यही आंसर है। चलिए प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और निरंतर पढ़िए। 32 के बाद 35 नंबर कहता है, एक धन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया को बोलते हैं, मासूम से दोस्तों आप भी जानते हो, 6a² तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो ए स्क्वायर में, यानी 50% + 50% वाला फंडा। सर कैसे? एक्स यानी 50, वाई यानी 50, दोनों का गुणा 50×50 = 2500/100, 125% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 125% आएगा, बोलो हां मगर प्यार से। 35 के बाद 37 नंबर, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत इतनी है। प्यारे दोस्तों, आजकल देखा होगा गांव के खेतों में तार बांध दिए जाते हैं, बस उसी को समझ लो बाड़ लगा दिया गया। तो 24 प्रति मीटर की दर से आयताकार, तो लंबाई तो इसकी 23 है, चौड़ाई नहीं मालूम, यही निकालना होगा।
तो ये इसके परिमाप में बाण लगेगा। परिमाप इसका ये होगा, जिसका रेट है 24 रुपया के हिसाब से टोटल पैसा 1920 रुपया लगा। हमसे कह रहा है एक्स क्या होगा, मासूम से दोस्तों 24 दूना 48, 48 से ये जाएगा चार बार में, यानी ये 40 आ गया, तो ये दोनों निपट गए, तो एक्स हो जाएगा 17, क्योंकि 40 में अगर 23 घटाओगे तो 17 आएगा, यानी इसकी चौड़ाई 17 होगी। कहता है ए इतना, बी इतना, सी इतना, उसका मान चाहिए। एक चीज देखो, आपके सामने ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2ac माइनस का 2bc लिखा है। ये जो हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको खोलोगे तो यही, सर क्यों, पहले इससे माइनस ये आया, अरे 2ab, फिर देखो a और c पॉजिटिव है, तो ये a और c पॉजिटिव, जब इनका होगा तो ये नेगेटिव, यानी ये आया। अब a की जगह जो वैल्यू लिखी है x प्लस वाई उठाकर रख दो, जो भी वैल्यू दिखी है वो रख दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस का वाई और प्लस का 2x माइनस 1। बोलो हाँ, देखो मगर प्यार से इसका इसका हैप्पी बर्थडे, यानी कैंसिल, और ये जो वैल्यू हो गई प्लस का 2y हो गया और माइनस का 1, ऑलरेडी होल स्क्वायर चल रहा था, तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर 38 का सी ऑप्शन होगा। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए हमारे कमेंट भी पढ़ लीजिए, कमेंट पढ़ ले रहे हैं मेरे भाई, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। 37 नंबर का कोई और ट्रिक, अरे इसमें बताओ कौन सा राम बार लगा दे, बेसिक क्वेश्चन है, हद है, एक लाइन में सॉल्व है। चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, जी हां खतरा बना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आप तो बोलोगे नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं ही कर दूं, थोड़ा सा जूम, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है दिख रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में डर लगता है बच्चा कि सर इतना बड़ा, हां पेपर के तो ओरिजिनल क्वेश्चन करा रहा हूं तो इतने बड़े आए हैं। एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है। एक चीज समझो, इसमें रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ये बात याद रखना, 8 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/12, ठीक है 1/12, ठीक है। तो एक व्यक्ति, देखिए अच्छे क्वेश्चंस को बड़े प्यार से और संयम के साथ सॉल्व करना चाहिए, टफ नहीं होता। तो एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को इतने पर हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण में 25 रुपए का लाभ हुआ, यानी लाभ वाली राशि ज्यादा है। देखो माना मेज की कीमत x है, इस पे लाभ 1/8, कुर्सी कीमत y है, हानि 1/12, तो हानि तो माइनस लगा दिया, ओवरऑल उसे 25 रुपए का लाभ हुआ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है वही दूसरी ओर मेज को 8 से 1/3% हानि पर बेचा, मेज को तो एक्स हानि पे बेचा और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचा, तो उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, ना लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, यानी मेज को हानि पर बेचा कितने 8 से, तो माइनस का, और कुर्सी को लाभ पर बेचा यानी वाई कितना 12.5 यानी 1/8, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0, मासूम से दोस्तों, तो x/12 बराबर वाई अपॉन 8, तो ये 2 ये 3 हो गया, तो x अपॉन y बराबर 3/2, यानी y की वैल्यू और x की वैल्यू, पहले बोलो हां,
तो x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 2, पहले बोलो हां, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। कहता मेज का क्रयमूल ज्ञात कीजिए, मेज का क्रयमूल ज्ञात कीजिए, यह बात याद रखना, मेज का सीपी ज्ञात करना। पैसा तो दिया नहीं, अच्छा यहां से ही निकलेगा, मेज का सीपी ज्ञात करना। तो इसे आप समझ लो, 3 लिखा है तो इसे 3a समझ लीजिए, इसे 2a समझ लीजिए, उठाकर इसमें रखिए। जब आप रखेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3a बाई 8 माइनस 2a बाई 12 बराबर 25 के। तो एलसीएम ले लो, 24 नजर आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, यानी 5a बराबर 25 के। तो 5a बराबर 120 के, a बराबर 120 के। तो हमसे कहता मेज का क्रयमूल क्या होगा, तो 3a है, तो 3a इंटू 120 यानी 360 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 360 आएगा, बोलो मगर प्यार से। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया से सीखिए। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, ठीक है। जब एग्जाम प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाते हैं तब बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइव आते हैं, यह बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए निरंतर। अब बहुत जल्दी रेलवे के एग्जाम के बारे में भी घोषित हो जाएगा कि कब से स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप बच्चा सीरियस हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, बोलो हां। प्यारा क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखना, ठीक है। थोड़ा बड़ा था, शब्दों का खेल है। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सीख लेंगे। रीजनिंग बहुत आसान होती है, अगर आपको मैथ आती है तो रीजनिंग 80% तक आ जाती है। तो आप देखो 12 और 5 का, 12 और 7 का अंतर 5 है, 10 और 5 का अंतर 5 है, अगर 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 11 और 8 का अंतर 3 है, 16 और 4 का अंतर 12 है, 12 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 9 और 6 का अंतर 3 है और ये अंतर 10 है, 10 3 13 यही उत्तर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा, ठोको लाइक, बोलो हा। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और निरंतर पढ़िए। कहता है y का मान ज्ञात कीजिए, इसमें क्या करो, रूट 7 प्लस रूट 2, रूट 7 माइनस रूट 2, इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कांजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रूट 7 प्लस रूट 2 और नीचे रूट 7 प्लस रूट 2 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा x प्लस वाई रूट 14 के। दोस्तों ऊपर ये होल स्क्वायर होगा, जिसे खोलोगे तो 7 प्लस 2 और 2 रूट 14 हो जाएगा, नीचे 7 में से 2 गया, 7 में से 2 यानी 5 हो गया, यानी 9 बटा 5 प्लस 2 बटा 5 रूट 14 हो जाएगा। दोस्तों बड़े प्यार से सीखिए, कहता y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान आप देख सकते हो, यही y का मान होगा, यानी 2 बटा 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 2 बटा 5 होगा। चलिए 41 का 2 बटा 5, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। एक चीज समझो, शेषफल 0 हो किससे, 7 से विभाजित करने में। आप ऑप्शन में आ सकते हो, तो यहां पर 7 से भाग दो तो 7 या 21 और फिर 56, ये 7 से जाता है, 147 भी 7 से जाता है, ये नहीं जाता है, 7 या 21 और ये भी नहीं जाता, मतलब दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। एक चीज समझो, कहरा शेषफल 3 बचता हो, क्या बचता हो, शेषफल 3 बचता हो ऐसा बोला जा रहा है,
ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर इस वैल्यू में तीन कम कर दो तो ये हो जाएगा 263 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 144। अब आप इन संख्या में देखो, ये 8 लिखा है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी इवन नंबर से नहीं जा रहा है, पहले बोलो हां नहीं जा रहा है, और ये जाएगा 8 से, मतलब इसका आंसर 147। ये था हमारा हाईटेक मेथड, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। यूथ रेलवे की जो किताब पढ़ाई है हमने यूट्यूब में, हमने ऐसे ही सिखाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर मैनर में सिखाने की, तो हम सिखाते हैं कि भैया एलसीएम ले लो 8 12 16 का, किसका ले लो 8 12 16 का, या के ऐसे लिख लो और शेषफल 3 ऐसे लिख लीजिए, बोलो हां क्या लिख लीजिए, शेषफल 3 ऐसे लिख लीजिए। अब 8 12 16 का एलसीएम बच्चा जानता है 48 के होगा और प्लस का 3 हो गया, किससे भाग देना है 7 से। अब देखो मैं आपको बताऊं इसकी ट्रिक क्या होती है, उसी पर ही फोकस करना होता है। 7 का यहां भाग दो तो कहीं ना कहीं 42 6 शेषफल बचता है, 7 से भाग दोगे तो 6 शेषफल बचता है, तो यहां 6k + 3 कर लो और 7 से भाग दो। अब k बराबर 1 तो 9 7 से मिल जाएगा, k बराबर 2 तो 12 3 15 नहीं जाएगा, k बराबर 3 18 3 21, यानी k बराबर 3 पे ये सेटिस्फाई करता है, यानी यहां पर 48 × 3 + 3 8 3 24 यानी 144 + 3 AK 47, समझ गए, तो आंसर इसका आएगा 147, बोलो हां। दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व विथ सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए तो प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया उसे दोबारा देखिए, सत्येंद्र सिंह मेरे भाई अभी पढ़ते जाइए। यदि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, तो ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं 46 नंबर में, तो 15 सीट वाली 100 पुस्तक बनाने में 26 रिम की आवश्यकता, सब्जी मसाला MDH, तो 13 सीट वाली 750 पुस्तकों में एक्स रिम की आवश्यकता होगी। अब हम यहां MDH वाले मसाले से इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं कि 50 से ये 2 बार, 50 से ये 15 बार, 15 से ये 15 बार, 2 से ये 13 बार, 13 × 13 यानी 169 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 169 आएगा, ठोको लाइक, बोलो हां 46 का आंसर। 47, एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पांव बिंदु से 26 मीटर और 16 मीटर के दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले कोण 26 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 बनने वाले कोण, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के शीर्ष को, देखिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छे से याद रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन हो आप देखिएगा अपने नोट्स में, हमने बताया था ये चीज अगर ए है और ये चीज अगर बी है और अगर हाइट चाहिए तो आप डायरेक्ट एच बराबर अंडर रूट ए बी लगा सकते हैं, हमने आपको कई बार इस समाज में बताया है, पहले बोलो हां कि सर वास्तव में आपने हमें ये चीज कई बार सिखाया है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में हल्का सा अंतर है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देखो ये 25 है, ये 16 है, तो ये चीज 25 है, यहां मिस्टेक हो गया होगा और ये 16 है, ठीक है, क्योंकि बन नहीं रहा था ना, समझ गया, बनना भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पांव बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनाने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं, अनुपूरक होते हैं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, 16 × 25 करना है जो कि 400 आएगा, बाहर 20 आएगा, यह इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आता क्योंकि वो मासूम सा बच्चा है, तो अब पूरा का पूरा समझो, ये थीटा होगा, ये 90 − थीटा होगा, पहले देख रहे थे तो यहां से देख रहे थे 25 से,
और फिर देख रहे थे तो 16 से देख रहे थे, पहले बोलो हां। अब अगर आप पहले इसमें लगाओगे 10 90 माइनस थीटा, तो ये आपकी हाइट होगी लंब बटा आधार, और अगर 10 थीटा लगाओगे तो लंब बटा आधार। अब देखा जाए 10 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा, जब 10 कॉट थीटा और 10 थीटा का इनटू होता है तो वो 1 होता है, और यहां 10 और कॉट, तो एच बटा 16 गुणा एच बटा 25, जब कैलकुलेट करोगे तो एच बराबर 20 आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ये बातें याद आ रही हैं? कमेंट बनता है तेजी के साथ, तो सभी लोग एक बार तेजी से कमेंट कर सकते हैं। चले, तो याद रहे कि इसमें हल्का सा मिस्टेक हमारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। 49 नंबर कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1396 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 8, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो पहले तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं होता है। 7, 8, 11 देखिए कहीं पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 8 × 56 × 11 करना होगा। यहां 6 आया, ये 11 आया, और ये 616 आया, पहले बोलो हां। लिखा है ना 7, 8, 11, हल्का सा पेशेंस रखना, यहां पर फिर मिस्टेक हो गया। सर कैसे, हिंदी और इंग्लिश में, तो डरने की जरूरत नहीं है, सही कर लेते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। 7 इंग्लिश में सही लिखा है, 7, 9, 11 हिंदी में 7, 8 नहीं, यहां 9 होगा और ये 11 होगा, तो डरिए नहीं, हम उसका एरर को भी सही कर रहे हैं। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, पेपर में सही था, ठीक है। तो 7, 9 और 11 याद रखना, किताब छापने में या टाइपिंग वाले में मिस्टेक कर दिया उसने, तो 7, 9, 11 तो इसका एलसीएम लोगे 9 × 7 = 63 यानी 63 × 11, तो 3 ऐसे 9 ऐसे और 693 इसका एलसीएम आया। तो देखा जाए 1391 से, तो इसको फिर डबल करो, इसको डबल करो, क्या करो डबल, क्योंकि उसी के मल्टीपल में चलता है, एक बार दो बार तीन बार, तो नियरेस्ट में लाना होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, किस में लाना होगा, नियरेस्ट में लाना होगा। तो 3 × 6 = 18 और 6 × 12 = 13, 1386 आ गया, मतलब 1386 वह संख्या है जो 7, 9, 11 से डिविजिबल होगी। कहता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में, तो 1391 में 1386 घटा दो, तो देखा ये जाए इसका जो अंतर है, और माइनस का 3 भी घटा दो, माइनस का 3 भी घटा दो, तो ये 2 आएगा, तो हमें 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा तभी वो शून्य हो जाएगा। या आप ऐसा समझ लो कि 1386 में 3 शेषफल जोड़ दो और एक एक्स्ट्रा, वो इसलिए क्योंकि ये इसका योग 1391 के बराबर हो जाए, तो इसका राइट आंसर एक्स बराबर 2 होगा। एक बार फिर से बताएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे कि सर ऐसे कैसे, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्यार से सीखो। पहला उद्देश्य, हम लोग एलसीएम लेंगे 7, 9, 11 का, जिसका एलसीएम 693 आया। अब इसके मल्टीपल में वैल्यू लेते चले जाओ, अगर दो बार पढ़ेंगे तो 1391 के पास पहुंच जाएगा, तीन बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका डबल कर लिया, 1386 कर लिया। ये वैल्यू देखो 1391 के पास है, हाँ बिल्कुल है, कह रहा है शेषफल 3 होना चाहिए, तो 1386 में 3 जोड़ोगे तो शेषफल भी इसमें इंक्लूड हो गया, और कह रहा है कि
1391 में और कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो इधर वाले में जोड़ोगे तो इसके बराबर, या तो उल्टा कर दो कि 1391 में x घटाओ 3 घटाओ 1386 के बराबर, बात बराबर है, यानी x बराबर 2 आएगा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए, तो प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए विनय जी और सीखते रहिए। कहता है दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 और 50 है, या खेल गया, ये उनके पाद, उनके बीच की दूरी 48 और शीर्षों के बीच की दूरी 50 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। भाषा पढ़िए, यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 है तो बड़े की निकालनी होगी, मुद्दा खत्म। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आपने बहुत पढ़ा है ये चीज, कैसे, ये 48 है तो ये भी 48 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब 50 48 तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है, 7 24 25, पहले बोलो हां, 7 का डबल 14, 24 का डबल 48 और 25 का डबल 50, पहले बोलो हां। तो कहीं ना कहीं ये 48, ये 50 और ये 14 हो जाएगा, 14 और 10 का योग 24 हो जाएगा, 14 और 10 का योग 24 हो जाएगा। तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो कि 24 आएगा, कितना आएगा, 24 आएगा। कहता है दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 20 और 25 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी से दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक तय होता है दोनों के बीच की दूरी। कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आजकल हम डेली ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 20 kmph की स्पीड यहां से है और इधर से 25 kmph की स्पीड है, पहले बोलो हां। देखा जाए इन दोनों की स्पीड का अंतर 5 है, 25 और 20, तो 80 तभी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 80/5 यानी 16 घंटे में इनका मिलन होगा। अब एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, 20 और 25 45 की स्पीड से 16 घंटे चलेंगे, तो 16, 50, 80, 88, 64 और 8, 72 यानी 720 किलोमीटर इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 720 होगा। चलिए प्यार से सीखिए और चीजों को अच्छे से सीखिए। पढ़ते रहिए निरंतर और सीखते रहिए। तो 720 इज द राइट आंसर। कहता है हमसे दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, माध्य और माध्यिका, माध्य कैसे और माध्यिका कैसे, ये आप अच्छे जानते हो। तो पहले हम माध्यिका की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको नियम बताया असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम, जैसे 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 26 और फिर 28, ये बढ़ते हुए क्रम में। तो देखा यह जाए, अगर इसका हमें मीडियन चाहिए, क्या चाहिए, मीडियन, तो हमने बताया स्टार्टिंग के 3, अंतिम 3 काटा, इन दोनों के योग का आधा, यानी मीडियन हो गया 17। अब हमें माध्य चाहिए, क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो अब हमें पूरे को जोड़ना पड़ेगा, बिन जोड़े आंसर नहीं आएगा। तो 58 में आप जरा इसको जोड़िए और बताइए क्या आएगा। 8, 6, 14, 14, 8, 6, 4, 4, 1, तो ये वैल्यू आ गई 144। टोटल कितने हैं, 8 है, भाग दोगे तो सीधी सी बात 18, 8, 144 होता है। और कह रहा है दोनों का योग क्या आएगा, दोनों का योग 35 आएगा, 8, 17, 35 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 35 आएगा।
ये क्वेश्चन नया समझ लो, है बेसिक। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया पेपर में तो फिर नहीं होगा, कम दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। जी हां, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो नहीं बनेंगे और कम दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बन जाएंगे। भाषा पढ़िए, भाषा की गरिमा पढ़िए। एक रेलवे यात्री से भरी हुई है, पहले स्टॉप पर इससे एक तिहाई यात्री उतर जाते हैं। माना एक्स लोग थे, एक्स बाई थ्री उतर गए तो बचे कितने, टू एक्स बाई थ्री। भाई एक्स यात्री माना और एक तिहाई यानी एक्स बाई थ्री उतर गए तो एक्स में से एक्स बाई थ्री घटाओगे, टू एक्स बाई थ्री। कहता 96 यात्री चढ़ गए तो इसमें 96 जोड़ दो। दूसरे स्टॉप में इसमें मौजूद आधे यात्री उतर गए तो आधे, तो अब ये आधे ही बचे और आधे यात्री उतर गए, अब 12 नए यात्री जुड़ गए तो 12 प्लस का कर दो। तो यात्रियों की संख्या 248 हो जाती है। अच्छा एक बात याद रखना, हम आपको बता दें यहां पर सारे डिजिट सही लिखे हुए हैं। जब आप प्लेटफॉर्म की किताब देख रहे होंगे तो 96 की जगह वहां 98 शायद लिखा हुआ है, तो वहां मिस्टेक है, उसको सही कर लेना, 96 ही होगा। ठीक है, चलिए बस अब खेला हो गए, कैलकुलेशन करो, वो हो जाता है मिस्टेक छापने आपने में। तो यहां 12, 8 में से 2 गया, 6 आया और ये 236 आया। पहले बोलो हां, 2 से ये 48 बार में गया, बोलो हां। x प्लस 48 हो गया और ये 3 का यहां गुणा हो गया। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा 48 गुणे 3 क्योंकि एलसीएम लोगे ना, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 144 हो गया। ये 36 18 8 23 69 और 564 आएगा। तो इसका आंसर 60 नंबर का आपके सामने है, 564 आएगा। जी हां, 564 इज द राइट आंसर। कई बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं और कई बार लिख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो 564 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। चलिए तो बढ़िया से बता दिया, ये ऐसे ही सीखो तो बेटर रहेगा। एक आध सीरीज भी है करा देते हैं, इसका डबल है, इसका 3 गुना है, इसका 4 गुना है, इसका 5 गुना है, तो आप समझ गए होंगे इसका 6 गुना लिख लेना, जो आएगा वही आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देखकर डराता है पेपर वाला, इसको ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। डिवीजन है तो नीचे ले आओगे ना, बाकी सब ऐसे लिखो, सिर्फ ये नीचे आएगा बाकी नहीं। अब आप क्या करो, दशमलव बाद 2 3 1 4, मतलब 3 2 5 1 6, समझ गए, समझदार हो। ये 625 हो गया, 100 से भाग दोगे 6.25 आंसर आएगा। चलिए 66 के बाद 67, राहुल ने एक संख्या का 2 से गुणा करने की बजाय 2 से विभाजित कर दिया। कोई संख्या है एक्स, करना था 2 से गुणा, कर क्या दिया, 2 से भाग, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो कह रहा वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या 4 हो गई। क्या हो गई, 4 हो गई। सर क्यों, 4 में 2 से गुणा तो 8 होता और 4 में अगर 2 से भाग तो 2 होता। तो आसान क्वेश्चन है, बाकी आपका कमेंट बताएगा क्या आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और क्योंकि ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं और काफी क्वेश्चंस करा रहा हूं। लीमा के पिता
लिमा ही है, आयु लिमा की आयु की चार गुनी है, यानी ये प्रेजेंट में 4:1, चार वर्ष पहले यानी पास्ट में गए। उसके पिता की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुनी यानी 6:1, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों इसका अंतर 3 है और इसका अंतर 5 है, पहले बोलो हां 3 और 5 जो डिफरेंस है, अगर मैं यहां 3 का गुणा कर दूं और यहां 5 का गुणा कर दूं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कहते हैं 20 में से 18 गया यानी 2, 2 बराबर 4 के तो 1 बराबर 2 के। कहता है उसके पिता की वर्तमान आयु, तो ये 20 का डबल 40 हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर 40 होगा, 68 नंबर का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त हो। एक चीज समझो, इसमें 6 घटा दो तो ये 2394 हो जाएगा, इसमें 4 घटा दो तो 1806 हो जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो देखो, पहले ये पूरा का पूरा 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, पहले बोलो हां, तो कहीं ना कहीं जो इसका एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी 3 का तो मल्टीपल होगा। 46 होता नहीं, 44 होता नहीं, 40 होता नहीं, 42 आंसर। ठोको ठोको बना के शेयर कर दो, क्योंकि खतरनाक सॉल्यूशन, इससे ज्यादा खतरनाक सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और ऐसे ही हमने यूथ रेलवे की किताब में पढ़ाया है और इसीलिए मैंने वहां लिखा है 5G कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बच्चा वहां कह रहा है 8 होगा, पहले नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं, तो हो सकता है नीतीश जी का ही 8 हो, पर हमारा तो 4 ही आया है। इस क्वेश्चन में कहता है राहुल ने एक संख्या का 2 से गुणा किया, नीतीश जी का कहना है कि करने की बजाय 2 से विभाजित कर दिया। नीतीश जी कहते हैं 8 होगा, अगर मैंने इसको 8 लिया तो 8/2 कभी भी उत्तर 2 प्राप्त नहीं होगा, बाकी नीतीश जी जिम्मेदार। अब हो सकता है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पर मुझे नहीं लग रहा, पर मुख्यमंत्री हैं बिहार के तो सुनना पड़ता है भाई, सुनना पड़ता है। कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 36 है तो इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वर्ग जिसके भुजाएं 6-6 हैं, पहले बोलो हां, और इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने से, मध्य बिंदुओं को जोड़ने से, मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जोड़ दिया तो यानी ये 3-3 है, भुजा निकाल लो तो 3√2 होगा, 3√2 होगा, 3√2 होगा, 3√2 होगा और 3√2 होगा। माना जाता है भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल 3√2 हो गया, यस या नो? तो इसी का ही एरिया निकालना, तो 3√2 का होल स्क्वायर यानी 9 × 18, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 आएगा, बोलो हां। चलिए ये बच्चा अभी भी कंफ्यूजन में है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2, राहुल डिवाइडेड इट बाय 2 एंड गॉट द आंसर एज 2, व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर? अच्छा, वास्तविक आंसर क्या होगा? तो वास्तविक आंसर में तो हम 8 पे जा सकते हैं, एक रुको, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। बताया जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है,
67, हो सकता हो 8 हो, वास्तविक आंसर बोला है ना, बिल्कुल 8 ही है। चलो नीतीश जी, मैंने पहले ही बोला था कि नीतीश जी सही बोल सकते हैं। प्यारे दोस्तों इसका आंसर 8 इसलिए लेंगे क्योंकि हम यहां पर ये लाइन पढ़ ही नहीं रहते। द एक्चुअल आंसर, यानी मेरा मिस्टेक हो जाता, अच्छा हुआ मैंने कमेंट देख लिया। एक्स बराबर तो 4 आएगा पर हमसे कह रहा है एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो हमने अंतिम लाइन इसकी नहीं पढ़ी। व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक उत्तर कितना होगा। इसलिए नीतीश जी का आंसर सही है, हमारा एक्स बराबर 4 था, यहां तक कोई गलती नहीं है। बाकी हमने लाइन आगे की नहीं पढ़ी, उसके लिए क्या क्षमा, ठीक है, समझ गए, जिसे कहते हैं सॉरी। तो आंसर वास्तविक वाला 8 होगा, सही बोला। चलो अब ठीक है मेरे भाई, वो अंतिम लाइन नहीं पढ़ी, अच्छा वो मैंने देख लिया, फिर से तिवारा देखा, दोबारा देखने के बाद फिर तिवारा देखा, क्योंकि बच्चा अगर कमेंट कर रहा है तो उस पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका आंसर आएगा माइनस का 1, इसका आंसर आएगा माइनस का 2, इसका आंसर आएगा क्या, अच्छा ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो अब क्या आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। 6, 5, 11 यही उत्तर हमारा, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11 होगा। बोलो हां, चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। लाइव क्लास में यही फायदा है कि अगर हल्का सा भाई क्वेश्चन कहीं हल्का सा कम पड़ा तो आपके कमेंट से ही मैटर होता है, क्योंकि मैं कमेंट पे ही फोकस करता हूं। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से चल रही है, मतलब जो व्यक्ति चल रहा है वो गाड़ी की डायरेक्शन में 3 km/h की चाल से, और यह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, तो गाड़ी की चाल क्या। आसान क्वेश्चन है सर, कैसे, सेम डायरेक्शन में, तो व्यक्ति की चाल 3 है और गाड़ी की चाल x समझ लो, 100 मीटर तक देख सकता है, कितने मिनट तक, 4 मिनट तक, तो 100 मीटर 4 मिनट, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना, मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लो या मिनट को सेकंड में कर लो, तो ये स्पीड हो गई, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव स्पीड कौन सी, u1 माइनस u2 वाली। भाई देखो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड का अंतर u1 माइनस u2, गाड़ी की चाल ज्यादा होगी वो u1 है, u2 हमारा 3 है, कितना 100 मीटर 4 मिनट, तो समय 4। अब इसे km/ph में कन्वर्ट कर लो, तो ये चीज मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 का गुणा कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। पहले बोलो हां, ये चीज 300 हो गए, कहते 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से ये 1.5 km/h हो गया, पहले बोलो हां, और ये 3 है, तो देखा जाए u1 जो होगा वो 4.5 km/h हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4.5 km/h, गाड़ी की चाल पूछा गया यही होगा। अरे कोई दिक्कत देता हो, पहले बोलो। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य, 7 से पूर्णतः विभाज्य। प्यारे दोस्तों क्या 200 7 से जाता है, नहीं जाता, 140 और उसके बाद आता है 63, यानी 203 7 से जाएगा, कितना जाएगा 203, तो उसके बाद 7 का मल्टीपल 210 होगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एंड सो ऑन। एक चीज सभी लोग जानते होंगे कि 7, 11, 13 का जो गुणा होता है वो 1001 होता है, मतलब 1001 7 का मल्टीपल होता है, पर 1000 के बीच, तो 1001 में 7 कम कर दो, 994 आएगा, यानी 994 7 का मल्टीपल होगा। अब इसमें हमने 50 बार कॉन्सेप्ट बताया है कि पहला और अंतिम घटा दो, 4 में से 3 या 1, 9 ऐसे 791, अंतर 7 7 है, तो 7 से भाग प्लस 1,
113 और 114 इज द राइट आंसर। सर कौन सा फॉर्मूला लगाया? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी लगाया। अंतिम पद 994, प्रथम पद 203, टोटल कितने पद है वही चाहिए, ठीक है, और डी इसका है कितना 7। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, 114 आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए 84 के बाद 85। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3 और 5 है। ये क्वेश्चन 5 स्टार लगा लो और अपने नोट्स में आज से इस क्वेश्चन को शामिल कर लो। नोट्स में शामिल करोगे तो अच्छे से ये बना रहेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आप पेपर में गलत करके आओगे। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3 और 5 है। ये सैलरी है लक्ष्मण और गोपाल की 3 और 5। बोलो हां। पिछले वर्ष और वर्तमान के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतन के अनुपात 2 और 3 और 4 और 5 है। व्यक्तिगत, अब यहां से लाइन को समझना, यही मैटर है। ये बड़े प्यार समझा देंगे। 2 और 3 के रेशियो से इंक्रीमेंट हुआ और इसका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 4 और 5। अब समझना, देखा जाए अगर पहले वेतन 1 होता तो राइट नाउ का वेतन 3/2 होता। पहले 2 रुपए अगर वेतन मिलता तो आज 3 रुपए मिलता, या पहले 1 रुपए मिलता तो आज 3/2, पर पहले मिल कितना रहा था 3, तो दोनों साइड 3 का गुणा कर दो, मतलब जो न्यू वेतन आएगा वो 9/2 हो जाएगा। बात को समझो, पहले 4, मान लो पहले 4 मिलता तो आज 5, या पहले 1 मिलता तो आज 5/4 मिलता आज की डेट में, तो पहले मिल रहा था 5, तो दोनों साइड 5 का गुणा कर लो, तो राइट नाउ 25/4। एलसीएम लेके रेशियो सेट करोगे तो 18 से 25 हो जाएगा, और इसी का योग 43 है और यही 4300 के है, इसीलिए 5 स्टार लगाया है। तो पहले उसका जो वेतन होगा वह, मतलब समझ गए, लक्ष्मण को 1800 वर्तमान वेतन मिल रहा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे, मैं इसको फिर से बता देता हूं जिससे आप बढ़िया समझो। 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया से सीखना होता है। हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया कहां है, आरएस अग्रवाल के रेशियो में पढ़ाया है। समझो, पहले लक्ष्मण और गोपाल, लक्ष्मण का वेतन 3 था, गोपाल का वेतन 5 था, ये पहले। फिर बोलता है कि जो इनका वेतन का इंक्रीमेंट है 2 और 3 के रेशियो से, पहले 2 हो तो आज 3, पहले 4 हो तो आज 5 हो, इसके बेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 2 और 3, तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, ये बोल रहा है। ये लक्ष्मण का पहले वाला वेतन है, ये लक्ष्मण का अभी का वेतन, तो 1 और 3/2 हो गया। तो लक्ष्मण का स्टार्टिंग वेतन 3 था, तो अब दोनों साइड 3 का गुणा कर लो, तो राइट नाउ लक्ष्मण का वेतन अब ये हो गया। फिर से देखो, अब हम गोपाल की बात करें तो 4 से 5, गोपाल का जो पहले का वेतन था 4 और गोपाल का अभी का वेतन है 5। रेशियो की बात करें तो 1 और 5/4 के रेशियो में, पर गोपाल का पहले वेतन था 5, तो राइट नाउ ये, तो अब ये हो जाएगा, मतलब 9/2 और 25/4। रेशियो लोगे तो 18 और 25 आएगा, दोनों का योग 43 हो जाएगा बराबर 4300 के, तो 18 बराबर 1800 के, यही इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है और इसीलिए 5 स्टार क्वेश्चन है। नोट्स में शामिल करना, ये बात याद रखना। 85 के बाद डीआई आ गई। डीआई आज की आसान है और सभी लोग जानते हैं कि डीआई के क्वेश्चन में लाइट को कम करेंगे, जी हां, क्योंकि डीआई सिखाना होता है वो भी डायरेक्ट बेसिस पे, तो ऊपर की भाषा पढ़ ली होगी, दी गई जानकारी अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, दिया गया पाई चार्ट एक दूसरे के, अरे बोलो हां। अब इसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे,
दिख रहा होगा, हम दिखे चाहे ना दिखे क्वेश्चन दिखना चाहिए। यदि कुल 300 मैच खेले गए तो फुटबॉल के लिए कितने मैच खेले गए? तो देखा जाए 300 मैच टोटल थे, फुटबॉल में 17%, बस आपको परसेंटेज से दो जीरो हटाना है, 17-51 आंसर बताना है, मुद्दा खत्म हो गया। दी गई तालिका और पाई चार्ट 100 छात्रों के एक समूह को पसंदीदा विषय को दर्शाता है, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, ये चीज नहीं दिख रही है तो ये चीज हम काट के यहां लगा देते हैं, वो कटाई हुआ है, थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी दिख रही हो, वैसे दिखेगा ना तो कोई कहना नहीं, खराब लगता है मुझे, ठीक है। कहता है पाई चार्ट में गणित विषय को निश्चित करने वाले कोण का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए सभी का योग कर लो, तो सभी का योग करो तो 8, 5, 13, 17 सभी का योग 100 आ रहा है, क्या आ रहा है 100 आ रहा है, मतलब ये जो चीज है वो 100 को डिनोट कर रहा है और 100 बराबर होगा 360 डिग्री। अगर मैं डिग्री की बात करूं, आप सभी का योग करो 100 आएगा 360 डिग्री, और अगर मैं मैथ वाले में जाता हूं तो इसकी वैल्यू 25 दी गई है, यानी 100 बराबर 360 तो 25 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 90 डिग्री आएगा। सभी जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है, एज ए हम लोग 100% लेते हैं, और अगर कभी कोई हमसे कह दे कि 25% की वैल्यू तो वो 90 डिग्री होती है, समझदार है, 500 बार पढ़ाया हुआ। ये अंतिम क्वेश्चन है और इसमें लाइट बढ़ा दी जाए, डीआई प्यार से पढ़ाना है, मोहब्बत से सिखाना है, हो गया। अब बस ये अंतिम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 20-30 क्वेश्चन कराए हैं, 40वां क्वेश्चन है देवता, कितने 40 क्वेश्चन, पेपर में कितने आए 100, 40 करा रहे हैं, ये ना कहें सर 25 ठो कराए हैं, काउंट कर लेना आज के सेशन में 40 ठो क्वेश्चन, कितने ठो 40 ठो क्वेश्चन, समझ गए। बहुत से क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, बहुत से क्वेश्चन मैथ के, मालूम नहीं चलता, ठीक है, कोई कहे सर टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो भैया 40 क्वेश्चन भी तो कराए हैं। एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित है कि दो आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है, यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 है। देखो जैसे तीन घर होते हैं तो दो गैप होते हैं, तो ऐसे ही 15 घर होंगे तो 14 गैप होंगे, कितने गैप होंगे 14, तो 560 बटा 14 यानी हर एक गैप 40 का होगा, हर एक गैप 40 का होगा। हमसे कहता तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी, तो तीसरा घर ये हो गया, चौथा पांचवां छठा और सातवां घर ये हो गया, इनके बीच गैप कितने हैं, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, एक गैप 40 का है तो चार गैप कितने का होगा 160 का होगा। पहले बोलो हां कि सर सही बोला। तो प्यारे दोस्तों आशा है ये चीज आप लोग सीख गए होंगे।